ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, सो कैनेडा को लेके बहुत सारी नेगेटिविटी पिछले दिनों परोसी गई, न्यू रूल्स की चेंजेस को लेके परोसी गई, जॉब्स की शॉर्टेज को लेके परोसी गई और कई तरीके से कैनेडा को नेगेटिव करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर भी एक जो बढ़िया चीज़ है कि उसमें कैनेडा में कोई अंतर नहीं आया। जो कैनेडा का टारगेट था 5 लाख इमिग्रेशन को हर साल इन्वाइट करने का, उससे ज़्यादा नंबर्स अभी भी कैनेडा जा रहे हैं। तो मतलब कैनेडा के लिए स्टूडेंट कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जो जॉब्स का सिनारियो है, जो मार्केट का सिनारियो है, ये चीज़ें हर कंट्री में होती हैं और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होती हैं। मतलब सही ऊपर नीचे ये मार्केट का असूल है, ये चलती रहती है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बेनिफिट स्टूडेंट्स को इस समय मिल रहे हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स उन्हीं कोर्सेज में जा पा रहे हैं जहाँ पर PR उनकी श्योर शॉट है। उन्होंने कोर्सेज को पैल लेटर को इस हिसाब से सेटअप कर दिया है कि जो नए PR के नॉर्म्स बन रहे हैं उनके अंदर वो स्टूडेंट्स 100% फिट आ रहे हैं। वेस्टेज उन्होंने बंद कर दी है, लीकेज उन्होंने बंद की है, लेकिन वो स्टूडेंट जो कनाडा जाके सेटल होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वर्क परमिट लेना चाहता है और अच्छा करियर बनाना चाहता है, उसके लिए कनाडा ने कोई सख्ती इस प्रोसेस में नहीं दिखी है। ये प्रोसेस में जो टफनेस है, जो सख्ताई है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को फील होगी जो असल में स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, जो वहाँ पर जाके असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, जो वहाँ पर पढ़ाई को छोड़ के वर्क परमिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ पर जाकर छोटे मोटे कॉलेजेस में जाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हुई है, प्रॉब्लम उस स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी खड़ी नहीं हुई जो अपने करियर को लेके प्लान्ड है, फोकस्ड है। सो कैनेडा जाने की कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव रीज़न आपके पास नहीं होने चाहिए। कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो, किसी के भी सजेशंस देख रहे हो, तो देखो पहले वो वीडियोस किस मकसद से उन्होंने बनाई हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए नेगेटिव कंटेंट देते हैं, क्योंकि नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा चलता है। जैसे ये एक पॉजिटिव वीडियो बनी है, शायद इसको कोई देखेगा नहीं या बहुत कम बच्चे देखेंगे, और यही अगर मैं डाल दूँ वहाँ जॉब्स नहीं है, बच्चा भूखा मर रहा है, फलाना कर रहा है, सारे देखने लगेंगे, चाहे भूखा कोई भी ना मर रहा हो। तो ये आपको समझना होगा कि कहाँ पर आपको मिसलेड किया जाता है और वीडियोस चलने के चक्कर में आप अपने करियर्स को आगे पीछे कर लेते हो, ख़राब कर लेते हो। कनाडा जाने वाला बच्चा कई बार UK सेलेक्ट कर लेता है तो कई बार ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में धक्के खा रहा है, जबकि उसका कनाडा का श्योर शॉट होना है। और पूरे प्रोसेस के अंदर जो पैल लेटर की लिमिटेशन है उसका अफेक्ट अभी तक नहीं दिखा। सो जितनी भी फाइल्स लग रही हैं, किसी भी फाइल पे ये रिस्पॉन्स आज तक नहीं आया कि हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते क्योंकि हमारा कोटा फिनिश हो गया। सो कोटा इतना है कि अभी भी लगातार सिर्फ वीज़ास मिल रहे हैं, कहीं पर कोई नेगेटिविटी नहीं है। सो अपने प्रोफाइल्स को लेकर बिल्कुल डिले ना करें। कैनेडा एक डेफिनेटली ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो लॉन्ग टर्म और ईजी सेटलमेंट उस कंट्री में लेना चाहते हैं, क्योंकि कनाडा से इजी सेटलमेंट पहले भी कहीं नहीं थी और न्यू रूल्स के बाद भी सबसे इजी सेटलमेंट कनाडा के अंदर ही स्टूडेंट को मिलेगी। सो मिसलेड ना हो, इधर उधर की अफवाहों में ना फंसें, चाहे हमारे से अप्लाई करें चाहे किसी और से करें, बट कनाडा वॉज नंबर वन एंड इट्स स्टिल अ नंबर वन डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।